सेबोरिक डर्माटाइटिस यानी कि एक तरह का स्किन कंडीशन जो खासकर हमारे स्कैल्प पर असर डालता है। इसके साथ साथ सिर्फ स्कैल्प पर ही नहीं बल्कि आपके आईब्रोज पर, आपके कान के आसपास के हिस्से पर, आपके चेस्ट पर और आपके आर्मपिट्स पर बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होता है। और ये आपके इन जगहों पर सफ़ेद बॉर्डर की जैसी एक तह बना देती है। इसके साथ साथ ये कई जगहों पर आपकी स्किन को रेडिश कलर में तब्दील कर देती है, इससे इचिंग भी होता है और अगर ये स्कैल्प पर हो तो ये हेयर लॉस के कारणों में से एक कारण बनता है। अगर आप सेबोरिक डर्माटाइटिस और डैंड्रफ से ग्रस्त हो तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बेहतरीन लोशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल अगर आप रेगुलर करते हो तो आपका सेबोरिक डर्माटाइटिस वो भी पूरी तरह से ट्रीट हो सकता है, अगर डैंड्रफ है तो उसे भी 100% क्योर करने की सलाहियत रखता है। जी हाँ, किस बारे में हम बात कर रहे हैं चलिए बता रहे हैं। सेबोरिक डर्माटाइटिस से परेशान हो, स्टबन से स्टबन, और अगर आप डैंड्रफ से भी परेशान हो तो ऐसी कंडीशन में एक ऐसी लोशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिसका इस्तेमाल मैंने ऑलरेडी किया है और करता भी हूँ हफ्ते में एटलीस्ट कम से कम 2 बार, ताकि जो डैंड्रफ है उसको दूर ही रख सकें। और अगर आप सेबोरिक डर्माटाइटिस से सफ़र कर रहे हो आप किन्स सेल लोशन का इस्तेमाल कर सकते हो। किन्स लोशन जिसे हम केटाकोनाजोल एंड सेलिसिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये लोशन बहुत ही इफेक्टिव है और मैं खास करके कि इसे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद से इसे यूज़ कर रहा हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले यानी कि जब मेरा हेयर लॉस हो रहा था तो उस टाइम डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा कॉजेस होते थे। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद हमारे डॉक्टर ने मुझे केटाकोनाजोल सैलिसिलिक एसिड यानी कि किन्स सेल लोशन लगाने की सलाह दी। और ज़्यादातर डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आपको इन्फेक्शन ना हो इसके लिए आपको डिक्रोबेट प्लस लोशन, साथ साथ अगर आप डर्माटाइटिस या फिर आप डैंड्रफ से ग्रस्त होते हो तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए किन्स सेल लोशन देते हैं ताकि आप इन चीज़ों से आपका हेयर प्रिवेंट रह सके। सो दिस लोशन इज वेरी इफेक्टिव फॉर डैंड्रफ एज वेल एज सेबोरिक डर्माटाइटिस। सेबोरिक डर्माटाइटिस से भी फाइट करने में ये आपकी बहुत बेहतर तरीके से मदद करता है, क्योंकि इसमें इसका जो फॉर्मूला है वो है, इसमें मौजूद है केटाकोनाजोल दैट इज 2%, इसके साथ साथ सैलिसिलिक एसिड इसमें यूज़ किया जाता है वो है 2%, इसके बाद इसमें लोशन बेस भी है वो भी इसमें इस्तेमाल होता है। और इसे यूज़ करने से पहले इसे आपको पूरी अच्छी तरह से चेक करना होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन ऑफ यूसेज भी दिया हुआ है कि इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ यूसेज में ये है कि आपको आँखों में ये ना जाए, इसे थोड़ा अवॉइड करना होता है। इसको ठीक हम शैम्पू की जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इस तरह के पैक में आता है, आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है केटाकोनाजोल एंड सैलिसिलिक एसिड कैंसर लोशन, जो कि 60 ml का ये पैक है, ये 60 ml के पैक में आता है। और ये स्पेशली डैंड्रफ के लिए और सेबोरिक डर्माटाइटिस से आपको आपके बालों को बचाने के लिए, आपकी स्कैल्प को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पिंक कलर में आता है, आप अगर देख सकते हो, और ये मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ, इसकी खुशबू भी अच्छी है। तो आपको करना ये होता है कि आप इसे थोड़ा सा आप इसे हथेली पर यूँ लेना होता है आपको, और फिर इसको ज़रा सा इसमें वाटर मिला करके फिर शैम्पू की तरह आपको स्कैल्प पर, अपने बालों पर, स्कैल्प पर खास करके फिर मसाज करते हुए आपको स्प्रेड करना होता है। उसके बाद इसे लगा करके फिर कम से कम 5 से 7 मिनट तक आप इसे छोड़ दीजिए ताकि ये आपके स्कैल्प पर अच्छी तरह से ये अपना जो बेस है वो बना सके, अच्छी तरह से लग सके ये। और उसके बाद फिर आपको
वाटर से यानी नॉर्मल वाटर से आपको अपनी स्कैल्प को धो लेना होता है। आप यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते में कम से कम दो बार आपको इसका यूज़ करना चाहिए। और जब से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई डोंट फेस एनी डैंड्रफ ऑन माय स्कैल्प एंड आई एम रेगुलरली यूजिंग इट। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू टेल यू दैट इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट द सेबोरिक डर्माटाइटिस एज वेल एज द डैंड्रफ देन यूज़ दिस स्किन सेल लोशन एंड इट वर्क्स 100% ऑन योर स्कैल्प। देखते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ कमेंट करना मत भूलना।